टाटा वोल्टास वॉशिंग मशीन 7.8 kg, और इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके फीचर्स और रेट और मॉडल नंबर, इस सब के बारे में इसमें आपको जानकारी दूंगा। तो इन सब जानकारी के लिए बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। आइए चलते हैं, इसका हम अनबॉक्सिंग करते हैं। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एट DRV। और आज मैं आपको टाटा का वॉशिंग मशीन है टाटा वोल्टास, इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ। ये वॉशिंग मशीन है, मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया है, और ये इसके कुछ फीचर्स हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, खुली ऑटोमेटिक नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक है, ये मॉडल का नाम लिखा हुआ है। और ये इसमें क्वांटिटी के अंदर इस बॉक्स के अंदर है एक वॉशिंग मशीन, इनलेस होज ग्लैंड और यूजर मैनुअल, और मतलब एक पाइप है। तो ये कंप्लीट एक यूनिट है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। और ये इसकी कैपेसिटी है 7.8 kg, इसमें 7 kg, 7.5 kg, 7.5 kg और 8 kg। तो ये 7.5 और 8 के बीच में 7.8 का था, तो हमारे कपड़े इतने ही रहते हैं, तो हमने इससे ज़्यादा 8 kg नहीं लिया है। और इनपुट, क्योंकि परिवार में जितने सदस्य हैं उसके अनुसार पर्याप्त था इतना 7.8। इनपुट पावर 550 वाट। तो ये है कि अगर 550 वाट है तो लगभग एक घंटे में ये 550 लेगा, और दो घंटे अगर ये कंटिन्यू चल जाती है तो एक यूनिट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइट लेगी है। तो क्योंकि 1000 वाट के अंदर एक यूनिट हो जाती है, तो ये थोड़ा सा है कि लाइट तो ज़्यादा है आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार। पावर सप्लाई सिंगल फेस 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, और इसमें MRP दे रखी है 19,090 रुपये। तो मैं आपको पहले तो ये दिखाता हूँ वॉशिंग मशीन की अनबॉक्सिंग करके, और लास्ट में मैं इसके रेट बताता हूँ आपको कि ऑफलाइन मार्केट से मैंने कितना लिया है। और आप इसको, इसी मॉडल को, मॉडल नंबर देख लेना WTT78BLG, कि ऑनलाइन अगर ये है तो कितने में पड़ सकती है आपके। तो मैं रेट आपको सबसे एंड में बताऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको अनबॉक्सिंग करके इसके दिखाता हूँ। तो हम इसको खोलते हैं। ये इसकी पैकिंग, इनमें ये साफ लगे हुए हैं, इनको हटा देते हैं। और ये कुछ स्विच के फीचर्स हैं, यहाँ भी इसमें लिखा हुआ है 7.8 kg, ये टाटा प्रोडक्ट, टाटा वोल्टास का एसी है, बजर है इसके अंदर। और ये वॉशिंग के लिए है, इसमें 0 से 35 का टाइमर दे रखा है, और 35 से 15 के बीच के अंदर ये सोक टाइमिंग है, इस टाइम ये अधिकतर बंद रहती है, उसमें कपड़े गीले रहेंगे तो कपड़े अच्छे से धुल जाए, इसलिए ये सोक टाइम दिया गया है। कुछ टाइम चलेगी फिर ये रुक जाएगी, और फिर यहाँ से फिर ये कंटिन्यू क्लॉक एंड एंटी क्लॉक वाइज ये रोटेट करती रहेगी। इसके बाद दूसरा है वॉश सेलेक्टर, इसमें एक जेंटल का फीचर है, एक नॉर्मल का है, एक हैवी का है, आपके कपड़ों के अनुसार आप डाल सकते हैं। हैवी कपड़े हैं, सर्दियों के कपड़े हैं, स्वेटर वगैरह हैं, आपके घर में चद्दर वगैरह हैं, बेडशीट
तो उनके लिए हैवी में डाल सकते हैं, बाकी नॉर्मल कपड़े के अंदर ये, और छोटे मोटे कपड़े हैं ज़्यादा नहीं है तो आप जेंटल पर यूज़ करके काम में ले सकते हैं। ये है इसका आप पानी निकालने के लिए, ड्रेनेज के लिए है ये, इसमें जो वॉशिंग में पानी है उसको जब कपड़े हमारे धुल जाएं और उस गंदे पानी को निकालना है तो इसको स्विच को यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। ये स्पिन टाइमर है कपड़े सुखाने वाले के लिए। ये इसका सुखाने का है, और इसमें कुछ सेफ्टी इक्वेशन दी गई है, आप ये पढ़ सकते हैं। और कस्टमर केयर के इसमें ये टोल फ्री नंबर और ये मोबाइल नंबर इसमें दिए गए हैं, कुछ भी समस्या होने पर इसकी वारंटी पीरियड के अंदर, बाकी वारंटी पीरियड के बाद भी अगर आप कस्टमर केयर पे कॉल करके और ऑथराइज मैकेनिक बुलाते हैं तो वो चार्ज लेते हैं, बाकी बाद में भी उपलब्ध हो जाते हैं। एक इसमें ये फीचर्स है कि ये जो खुलता है ये इसको थोड़ा सा नीचे करके छोड़ दीजिए हाइड्रोलिक, ये अपने आप ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है, तेज़ी से नहीं गिरेगा। ये दूसरे में वॉशिंग वाले में भी ऐसे ही है, आप देख सकते हैं अपने आप ये धीरे धीरे बंद हो रहा है। और इसके साथ में ये एक होज पाइप और इसका यूज़र मैनुअल और ये प्लास्टिक की जाली। अभी इस जाली का क्या यूज़ है ये तो मैं यूज़ करने के बाद बताऊंगा आपको, दूसरा वीडियो डालेंगे कुछ दिन यूज़ करके आपको बताएंगे कि कैसी चली, तब इसके बारे में बताएंगे आप। और इसके अंदर के फीचर्स देख सकते हैं आप, ये फिल्टर है इसमें एक इधर है और एक इसमें इधर है, दो इसके अंदर दो साइड में फिल्टर लगे हुए हैं। इसके लिए भी यूजर गाइड दे रखी है, आप इसको मेरे वीडियो को पॉज करके इनको अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहें तो, और कस्टमर के टोल फ्री नंबर इधर भी दे रखे हैं। तो अभी मैं आपको इसको नीचे से और दिखाता हूँ। एक इसमें 5 ईयर वारंटी लिखी हुई है ऑन बोथ मोटर्स। अधिकतर जो वॉशिंग मशीन आ रही हैं उनमें दोनों मोटर्स की वॉशिंग और इधर ये कपड़े सुखाने वाली दोनों मोटर की अलग अलग वारंटी आ रही है। इसमें जो ज़्यादा ख़राब होने की समस्या इसमें वॉशिंग वाली यानी इसमें सुखाने वाली में होती है। स्पिन में तो इस मोटर की 2 साल की और इस मोटर की 5 साल की दे रही हैं अधिकतर कंपनियां, पर इसमें टाटा के अंदर दोनों की मोटर की 5-5 साल की गारंटी थी, इसलिए मैंने ये टाटा का प्रोडक्ट चूज किया, टाटा की लेनी ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं अब आपको इसका नीचे से दिखाता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा तिरछा करता हूँ। तो इसका नीचे से दिखाने से पहले मैं इसको आपको यूज़र मैनुअलों के बारे में दिखा देता हूँ इसमें क्या लिखा है। खोलिए ज़रा इसको, पाइप को तो रहने दीजिए, आप इसको यूज़र मैनुअल को निकालो। ये इसका यूज़र मैनुअल है और टाटा के जितने भी हैं लगभग काफ़ी इसमें प्रोडक्ट जो भी इनके प्रोडक्ट हैं उनके जो नंबर हैं प्रोडक्ट नंबर वो दे रखे हैं इसमें। ये इनके मीनिंग के सिंबल हैं और सेफ्टी फीचर्स के लिए 4 से 6 नंबर पेज, वॉशिंग मशीन ओवरव्यू और चिल्ड्रन सेफ्टी, इलेक्ट्रिक सेफ्टी, जनरल सेफ्टी। तो आप देखना चाहें तो मैं इस पर एक बार
रोक देता हूँ ताकि साफ दिख जाए, और आप इसको मेरे वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ के देख सकते हैं लेने से पहले। और इम्पोर्टेंट सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट इंस्ट्रक्शन है, ओवरव्यूज जो भी इसमें स्विच वगैरह दे रखे हैं इनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये नज़दीक से करके एक बार दिखा देता हूँ और आप इनका वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ लेना इनको। अगर मैं एक एक चीज़ें आपको इसमें पढ़ के आप अगर बताना चाहूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये इसके अंदर जो पीछे वायरिंग दी गई है सभी स्विच वगैरह कनेक्ट करके, तो ये वायरिंग का डायग्राम दे रखा है यहाँ पे। इन्हें फिल्टर क्लीनिंग के बारे में बताया गया है, इसमें दो साइड में फिल्टर लगे हुए हैं और दोनों मैंने आपको दिखाए थे इसमें। मेरी जो वॉशिंग मशीन है ये सेमी ऑटोमेटिक है। मैं आपको बता दूं कि मैंने फुल्ली ऑटोमेटिक क्यों नहीं ली, क्योंकि फुल ऑटोमेटिक जो है मेरे अनुसार, और अगर मैं उसके बारे में कुछ बताऊं तो लगे आपको भी लगेगा, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होती है। ये सेमी ऑटोमेटिक है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है क्योंकि उसके अंदर पानी की खपत जो है वो ज़्यादा होती है और इसमें पानी कपड़े धुलने में कम लगता है, क्योंकि इसमें हमें कुछ काम हैं जो मैनुअल करने पड़ते हैं। पहले एक के अंदर हम कपड़े धोएंगे और उसको निकाल के हम दूसरे में डालेंगे, और उसके अंदर क्या होता है कि हमने उसमें कपड़े डाल दिए और कुछ देर उस सर्फ के अंदर उनकी धुलाई हुई और फिर उसमें पानी चला देंगे, वो अपने आप उसमें लगी रहेगी, पानी को बाहर निकाल देगी, फिर ले लेगी। तो वो पानी क्या है, अंदर बाहर में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करती है, और सेमी ऑटोमेटिक है इसमें पानी की काफ़ी बचत होती है, इसलिए मेरे अनुसार ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। बाकी अगर आपको वो अच्छी लगे तो बताना एक बार कमेंट्स में। इसका पीछे नीचे का हिस्सा देखते हैं, पहले ये पीछे से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे इसका मॉडल का नाम लिखा हुआ है और सेमी ऑटोमेटिक मशीन SKU कोड और पावर सप्लाई, इसकी कैपेसिटी जो इसके बॉक्स पे बाहर लगा हुआ था वो चीज़ें हैं। उस पर जो मैंने नहीं बताया था वो बता देता हूँ। इसमें 24 kg वेट लिखा हुआ है इसकी पूरी वॉशिंग मशीन का, खाली का वेट बिना कपड़े पानी डाले हुए इसका 24 kg इसके अंदर वजन है। तो जब प्लग में नहीं लगाना हो तो ये यहाँ पे लगाने के लिए सुविधा दी गई है, तो इसको पीछे लगा सकते हैं। तो अभी इसको पकड़िए भाई, तो ये है इसके नीचे से। ये नीचे से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरी जो चॉइस थी और जो मैंने कंपनी में बात की थी इसको लेने से पहले, मैं वहाँ पे मैंने उनसे कंफर्म किया था कि नीचे छेद नहीं होने चाहिए जिसमें से चूहे अंदर चले जाएं, क्योंकि इससे पहले जो वॉशिंग मशीन थी हमारे पास में उसमें चूहों की समस्या थी कि नीचे से इनके छेद जो हैं ये ज़्यादा बड़े थे और उसमें से चूहे अंदर चले जाते थे, लेकिन इसमें चूहे अंदर नहीं जा पाएंगे। देखिए पूरी बिल्कुल पैक है और ये जो जाली है बहुत ही छोटी है और इसमें कहीं भी ऐसी जगह नहीं है कि चूहे इसमें जा सकें, और इसमें 4 पहिए दिए गए हैं। अधिकतर वॉशिंग मशीन में 2 पहिए थे, इसमें 4 दिए गए हैं,
और अभी चार का फ़ायदा या नुकसान क्या होगा ये तो जब यूज कर लेंगे और मेरा सेकंड वीडियो इसका डालूंगा तब पता लगेगा कि चार का फ़ायदा है या नहीं है। और इसको देखिए, सबसे अच्छा काम है कि दूसरे आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हमें इसको इधर उधर करना हो तो किसी को आवाज़ नहीं देनी पड़े। ये देखिए, इसको कहीं भी हम आराम से सरका के ले जा सकते हैं, बाथरूम के पास में या जहाँ भी पानी की व्यवस्था हो, ड्रेनेज का सिस्टम हो, उधर सरका के ले जा सकते हैं। बाद में वहाँ से हटाना हो तो हम इसको आराम से इधर उधर कर सकते हैं। तो और अब अंत में जैसा कि कहा था कि मैं इसमें आपको रेट बता देता हूँ, इसके अंदर जो ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं, इस बिना डिजाइन के जो है उसका रेट 500 रुपये कम था, और ये जो डिज़ाइन है इसका रेट 500 रुपये ज़्यादा है। तो बिना डिजाइन वाला था वो ट्रांसपेरेंट था, उसमें नीचे के कपड़े उपड़े दिख जाते हैं आपको, इसमें डिजाइन की वजह से ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये जो इसमें ग्लास दिए गए हैं इसको टफ एंड ग्लास बोलते हैं, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ भी है, तो इनके टूटने के चांस बहुत कम होते हैं। ये अनब्रेकेबल के हिसाब से आते हैं। और ये इसमें वाटर इनलेट का है, और इसको हम अपना सीधा पानी का जो नल है हमारा बाथरूम के अंदर या जहाँ भी हमने ड्रेनेज का कर रखा है वाशिंग मशीन के लिए, घर में अगर अलग से लगा रखा है तो इसमें हम जो इसमें होज पाइप दिया गया है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। और इस स्विच को इधर करते हैं तो वो पानी जो है वो इसमें जाएगा, जो सुखाने वाले है इसके अंदर, और वो पानी ऊपर से गिरता रहेगा और वो घूमता रहेगा, तो इसमें उनके अच्छे से जो सर्फ है वो कपड़े की निकल जाएगी। और इधर करने पे ये वॉशिंग का जो है इसके अंदर पानी चला जाएगा, तो इसमें अलग से बाल्टी वगैरह से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अंत में मैं आपको इसके रेट बता देता हूँ, ये मैं 11,500 रुपये के अंदर लेके आया हूँ, 11,500 रुपीज़। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि कैसा लगे, शेयर भी ज़रूर करें ताकि आप, मैं सेकंड वीडियो इसका यूज करने के बाद आपको बताऊं कि ये इसकी वोल्टास के बारे में पहली बार यूज़ करेंगे, आपको बताएंगे कि वोल्टास का प्रोडक्ट कैसा है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आफ्टर 1 मंथ इसका रिव्यू का वीडियो डालेंगे। तो अंत में एक बार फिर कहना चाहेंगे, सब्सक्राइब करें और सबको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।